गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो लेक्चर रिवीजन सीरीज में आपके लिए क्लास 11th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आए हैं, दैट इज पीरियोडिक टेबल। दोस्तों वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा सा ही होता है, बट हमको इस चैप्टर को निगलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि जैसा मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर हमको बहुत अच्छा स्कोर करना है, बहुत अच्छा मतलब लेट से हमको जेई मेंस में 30 में से 25 से ज़्यादा सवाल करने हैं, मेडिकल में हमको 45 में से 40 से ज़्यादा सवाल करने हैं, तो किसी भी चैप्टर को दोस्तों छोड़ना नहीं है। ट्रेंड इस तरह से बन रहा है कि एक एक चैप्टर से दोस्तों छोटी छोटी चीज़ें पूछ रहे हैं, सिलेबस हमारा पूरा तैयार रहना चाहिए। तो कोई सा भी चैप्टर हो, छोटा या वो बड़ा, उसको हमने दोस्तों इग्नोर नहीं करना है। तो आइए चलिए दोस्तों इस चैप्टर के बारे में एक छोटा सा हम लोग रिविजन देखते हैं और फिर इसके ऊपर दोस्तों सवाल देखते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज, अगर हम इस चैप्टर में जाते हैं तो हमको किन किन चीज़ों का ध्यान देना है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये दोनों प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन इसके अलावा भी दोस्तों चैप्टर में कहाँ कहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें थी, उनको आइए चलिए जरा शुरू से देखते हैं। सबसे पहले जरा पीरियोडिक टेबल को अगर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले दोस्तों अगर हम अपनी पीरियोडिक टेबल को देखते हैं तो जो लेफ्ट सेक्शन में जो चीजें हैं दैट इज एस ब्लॉक, बीच वाली चीजें हैं दैट इज डी ब्लॉक, और जो इधर वाली चीजें हैं दैट इज पी ब्लॉक। नीचे हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ऊपर वाला 4F सीरीज को हम कहते हैं लैंथेनाइट और नीचे वाली 5F सीरीज को हम कहते हैं एक्टिनाइट्स। सो ये है लैंथेनाइट, ये है एक्टिनाइट्स। एक्टिनाइट्स में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर रेडियो एक्टिव एंड 4F में लैंथेनाइट एलिमेंट्स हैं। दोनों ही एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इनमें काफी सारे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमको एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलते हैं। एज सच कभी भी दोस्तों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर के जनरली चीजें नहीं पूछी गई हैं, बट यू हैव द जनरल आइडिया ऑफ देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ ब्लॉक एलिमेंट में अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ये आता है एन माइनस टू एफ 1 to 14, एन माइनस 1 डी 0 to 1 एंड एन एस 2। तो दैट इज द दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर हम डी ब्लॉक के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो दैट इज एन माइनस 1 डी 1 to 10 एंड एन एस 0 to 2। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एन एस कैन बी 0 to 2 एंड एन एस कैन बी 1 to 2, क्योंकि अगर हम बात करते हैं पलेडियम, दोस्तों पलेडियम की एस सबशेल में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट बाकी अगर हम डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करते हैं तो उनके एस सबशेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो इट कैन बी बोथ ऑफ देम आर ट्रू, एन एस 0 to 2 और एन एस 1 to 2। पलेडियम में 0 इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैं इसको प्रिसाइजली 0 to 2 कह रहा हूँ, बट एक एलिमेंट के कारण आप कन्फिग्रेशन को बदल दें ऐसा जरूरी नहीं है। सो इट इज ऑल्सो ट्रू दैट एन एस 1 to 2 कोई भी हो, आप इस तरह से दोस्तों इसको याद रखेंगे फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट का जनरल कन्फिग्रेशन एन एस 1 to 2, ठीक है 1 से 2 इलेक्ट्रॉन, और पी सबशेल का पी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP 1 to 6। तो ये थे दोस्तों हमारी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें। छोटी सी चीज़ें और दोस्तों याद रखिएगा, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ पे होता था, क्रोमियम में होता था और कॉपर में होता था। क्रोमियम एंड कॉपर में हाफ फिल्ड सबशेल और कंप्लीटली फिल्ड सबशेल को मोर स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन एस से दोस्तों डी में चला जाता था। सो द क्रोमियम वॉज 3D5 4S1 एंड द कॉपर वॉज 3D10 4S1। इस चीज़ों को दोस्तों याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग दोस्तों जाते हैं तो डी ब्लॉक में जो हमारे लास्ट वाला जो ग्रुप होता है, दैट मीन्स दोस्तों वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 12। ग्रुप 12 को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स नहीं कहते हैं, दे आर जस्ट नॉन टिपिकल ट्रांजिशन मेटल्स। ये नॉन टिपिकल इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो डेफिनेशन होती है ट्रांजिशन मेटल्स की, दोस्तों जो डेफिनेशन होती है, क्या ट्रांजिशन मेटल्स की भाई डेफिनेशन है कि उनकी डी सबशेल में कुछ ना कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, या तो उनकी ग्राउंड स्टेट में या फिर कोई ना कोई किसी भी एक्साइटेड स्टेट, किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो ये जो हमारा ग्रुप 12 के एलिमेंट्स है, इनके पास डी सबशेल में अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ना तो इनकी ग्राउंड स्टेट में और ना ही इनकी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट में। दैट्स वाई हमारे जिंक कैडमियम मर्करी दे आर नॉट ट्रांजिशन मेटल्स, दे आर ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सब दोस्तों छोटी छोटी बातें थी जिनको आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी वाइज जाते हैं, सो क्रोमियम एंड कॉपर के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन के अलावा जो हमारी 4D सीरीज होती है, दैट मीन्स 3D के नीचे, उसमें भी दोस्तों बहुत सारे हमारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता था। आपको दोस्तों याद कराया गया था दोस्तों, इनमें भी हमारा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इन सभी एलिमेंट्स में दोस्तों 4D सीरीज में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता था, बट
फॉर द पर्पस बट फॉर द प्रैक्टिस हमें पलेडियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना चाहिए। पलेडियम का होना चाहिए क्या भाई? पलेडियम का होना चाहिए 4d8 5s2 होना चाहिए क्या? 4d8 5s2 बट टू मेक इट मोर स्टेबल पलेडियम बिकम 4d10 5s0। तो ये दोस्तों यहाँ पर पलेडियम का एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है जो आप ध्यान रखिए, बिकॉज पलेडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से सिल्वर का कॉन्फ़िगरेशन होगा, बट सिल्वर इज वेरी मतलब कॉमन, जैसा कॉपर में होता है वैसे ही दोस्तों सिल्वर में हो जाता है, तो उसको अलग से कुछ याद रखने में प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, 4D सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट में एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, 3D में 2, 4D में कई सारे, और 5D में बहुत सारे हो जाते हैं। तो उनमें कोई एज सच एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं है जो मुझे लगता है आप याद रखें। तो ये हमारी होगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बातें। इसके अलावा दोस्तों अब हम लोग को आना होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तरफ आते हैं।